राधिका नियति के हाथों जहां दिव्यम को कुछ नहीं होने देगी, जिससे नियति के हर सारी चाल राधिका के आगे फेंका पड़ने लगेगा। और वही जो नियति अभी दिव्यम के आगे मारने जो आ रही है वो नियति का एक सपना होता है। लेकिन अब नियति राधिका के होते हुए दिव्यम पर इस बार भी कोई ऐसा हमला नहीं बोल सकती है। तो वही दिव्यम ये बेहोशी का सब नाटक राधिका को अपने पास लाने के लिए किया हुआ रहता है। तो वही आगे अब दिव्यम राधिका को वहां अपने गले से लगाते हुए दिव्यम राधिका को करवा चौथ के लिए उसे एक गिफ्ट वहीं पर दे देंगे। लेकिन वहीं दूर खड़ी रहकर नियति राधिका दिव्यम को पास होता हुआ देखकर खूब जलेगी। तो वहीं जब दिव्यम और राधिका वहां से एक संग जाने लगेंगे तभी नियति वहां से बाहर आ जाएगी। लेकिन इसके आगे अब नियति दिव्यम को उस करवा चौथ वाले व्रत में निशाना साधेगी, क्योंकि एक तरफ राधिका अपने पूजा में बहुत नील होगी, तो वही दूसरी तरफ नाग कन्या नियति दिव्यम के ऊपर वो अपना प्लान का अंजाम देने का अपना पूरा कोशिश करेगी। लेकिन नियति राधिका के होते हुए वो दिव्यम के ऊपर चाह कर भी हमला नहीं कर पाएगी और जल्द ही राधिका के हाथ उस नियति नाग कन्या के खिलाफ बहुत कठोर सबूत हाथ लग जाएगा, जिससे राधिका नियति को पूरी तरह से समझ पाएगी। तो वही कली का पूरा डाउट नियति के चाल ढाल से पता तो लगा लेती है और राधिका को भी बताने की कोशिश करती है कि नियति नाम की लड़की हमारे घर के लिए ठीक नहीं है। लेकिन ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।